बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ पूरे देश में गुस्से का उबाल है, और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग उब चुके हैं इस खबर को बार बार सुनकर। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपके सामने यही खबर आ रही होगी कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स भी। ये प्रमाण है कि गूंज तेज हो रही है देश के हर कोने में इंसाफ और न्याय की। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया है, जिसे पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान भी समर्थन दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है कि सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर्स पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करवाएंगे। ये जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट की ही होगी जहां मेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। पूरा देश इस घटना से आहत है, और जिस राज्य में ये घटना घटी वहां इस पर सस्ती सी राजनीति की जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस घटना के बाद इतनी आहत हो गई कि उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ठान लिया है कि अब वो ममता सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी की सरकार डर गई और बैकफुट पर चली गई। माना यह जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डरकर ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा देने वाली है, उनके चरणों पर रखने वाली है। ममता बनर्जी का कहना है कि उनसे ये राज्य अब संभाला नहीं जा रहा है, तो ममता बनर्जी को हटाकर सीएम की कुर्सी पर बैठकर पश्चिम बंगाल की बागडोर संभालने वाली है। ममता बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी के विरोध की चर्चाएं इस कदर ही पूरे देश में फैली हुई है, और ममता बनर्जी एक मिसाल बन गई है। अब चलिए बात करते हैं कि इस मामले में अब तक कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, क्या कुछ कहा है। शुक्रवार को आरजीकर अस्पताल में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की घटना को राज्य मिशनरी की पूर्ण विफलता बताया है हाई कोर्ट ने। इस पर कोर्ट ने सख्त कमेंट किया कि यदि राज्य पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती अस्पताल की, तो हम अस्पताल बंद करने का निर्देश दे देंगे। इधर सुवेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि वारदात की जगह को नष्ट करने के इरादे से ट्रक्स में भर कर लोगों को लाया गया था, जो पहले से प्लान्ड था। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि खुफिया विभाग को अस्पताल में इतनी भीड़ हो जाएगी इस बात की जानकारी ही नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश TS शिवगगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि वे इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते कि खुफिया विभाग को 7,000 लोगों के जमा होने की जानकारी ही नहीं होगी। इसके बाद लगी सवालों की छड़ियां। इतने लोगों के जमा होने पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? धारा 144 जारी करने की जरूरत थी या नहीं? पुलिस की भूमिका क्या रही इस हमले को रोकने में? हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक पुलिस और अस्पताल प्रशासन को पूरा विवरण देते हुए 2 हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब एक और बात आपको बता दें, कोर्ट में डॉक्टर संदीप घोष, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं, उनके लिए उनके वकील ने सुरक्षा मांगा था, जिस पर कोर्ट ने कह दिया कि आपके क्लाइंट तो एक पहुंचे हुए शख्सियत है, पूरी राज्य उन्हें सुरक्षा दे रही है, उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत, घर में रहने दीजिए शांति से। कोर्ट ने सेमिनार रूम के बगल वाले रूम को तोड़े जाने पर भी सवाल उठाया, कहा कि इसे तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी, जांच तो पूरी हो जाने देते। CBI को अगली सुनवाई में 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की जांच में अब तक की प्रोग्रेस अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को ड्यूटी दी कि जिस तरह से इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग पीड़िता का नाम और तस्वीर जारी कर रहे हैं, उस पर रोक लगाए। आरजीकर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स घटना के बाद से ही कई सवालों और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां से
पूरे देश में विरोध की चिंगारी फैली। आर्जीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर ने प्रेस के माध्यम से डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के कारण और मांगों की जानकारी देते हुए क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। आई एम अ जूनियर डॉक्टर फ्रॉम आर्जीकर मेडिकल कॉलेज एंड इन लाइट ऑफ द रीसेंट प्रोटेस्ट आई एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्जीकर वुड लाइक टू प्लेस आवर डिमांड्स। आवर प्राइमरी डिमांड इज अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट्स विद प्रॉपर एविडेंस विद ऑफिशियल प्रेस रिलीज कंफर्मिंग द सेम फ्रॉम द सीबीआई। वी डिमांड रिटन अपॉलॉजी एंड ऑर्डर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ हायर अथॉरिटीज, नेमली एक्स प्रिंसिपल ऑफ आर्जीकर, द एमएसवीपी, द डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, द एचओडी ऑफ चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड द असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑन ड्यूटी। The HOD of Chest Medicine Department and the Assistant Superintendent on duty of the incident, and they should be barred from holding any administrative or authoritative positions in any institution for the remaining duration of their services. We demand an explanation from the Shastra Bhavan as to why the resignation of ex-principal of Arjikar MCH was not accepted and why he was reinstated in another medical college as a principal. We also demand an explanation from the Shastra Bhavan as why the ex-dean of Students Affairs of Arjikar was reinstated as the new MSVP of Arjikar Medical College. We previously stated that no amount of compensation can be made for a life lost. However, her parents should be provided with a lifelong support and adequate financial compensation by the government, and it should be announced immediately. Implementation of adequate workplace security measures, including CCTV cameras, security guards, both male and female, with special emphasis on in-campus and out-campus hostels, police picketing and patrolling, and proper on-call rooms with attached bathrooms. The commissioner of the police should take strict action The commissioner of Kolkata police should take strict and necessary action against the digital defamation of Arjikar students that is being circulated in the social media. He should also investigate and take actions against the circulation of the photo of the victim that is going on in the social media. And he also should take action against taking the victim's name multiple times in the social media. We also demand, in light of the recent mob attack, we would demand the resignation of current principal of Arjikar MCH and commissioner of the police of Kolkata, the officer in charge of Tala and deputy commissioner of police North Kolkata on their shameful response to the mob attack on the eve of Independence Day. We also demand provision of adequate security personnel in the hostel and immediate repair of all gates, doors and other infrastructures that hinders the provision of security immediately. Having said this, our plan of action is to continue cease work of emergency and non-emergency services till our demands are met. We also would like to say that we stand in solidarity with the nursing staff and nursing students of Arjikar MCH and all the female staffs of Arjikar MCH in their stand for women workplace safety, and we strongly condemn the shameful tactics of the deputy nursing superintendent, the nursing superintendent and other higher officials attempting to hamper their support. We wholeheartedly welcome all the support we have received from the undergraduates, interns, house staffs, PGTs, nursing students, nursing staffs, assistant professors, associated professors and professors, and HODs of all other departments and also all the staffs of Arjikar Medical College. Arjikar में घटी अमानवीय घटना से पूरा देश क्षुब्ध है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के फेक न्यूज वायरल किए गए, जिसमें सेमिनार रूम के तोड़े जाने की बात सामने आई थी, जो बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट के सवाल उठाने पर यह जानकारी दी थी कि सेमिनार रूम बिल्कुल सुरक्षित है। हो सकता है कि ये आंदोलन अभी कुछ दिन और चले, ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के आउटरीच के बाद आंदोलन शांत भी हो जाए, लेकिन क्या अब इस तरह की घटनाएं थम जाएंगी?
कहना तो नहीं चाहती पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है नहीं। ऐसी घटनाएं दोबारा घट सकती हैं और इसके कई कारण हैं। घटिया मानसिकता, समय रहते आवाज ना उठाना, पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया और ऐसे मामलों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बजाय लीपापोती करना। आसनसोल में पिछले कुछ महीनों से जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में माहौल बना हुआ है उससे काफी आतंकित है यूनिवर्सिटी के स्टाफ और स्टूडेंट्स भी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देवाशीष बंदोपाध्याय ने डर और असुरक्षा दिखाया है। आरजीकर में 14 अगस्त की देर रात के बाद जो घटना घटी वैसी ही घटना घटी केएनयू में 16 अगस्त के दिन। वीसी ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी थाने में, कहा कि उपद्रवियों ने धमकी दी है केएनयू को आरजीकर बनाने की। और एक्शन क्या लिया पुलिस ने, उपद्रवियों को यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया। सवाल यह है कि क्या प्रशासन उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन लोग आसनसोल से जुड़ी एक और घटना का विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। क्या जमीर झकझोरता नहीं है इनका। वीडियो में इतना ही, कल होगी बात महिला सुरक्षा से जुड़े कानून और इस पर होने वाले खर्च पर, साथ ही उन पहलुओं पर भी होगी चर्चा जो किए जा रहे हैं सरकार द्वारा अनदेखा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल।